और उसके घटक दल बहुमत मिल जाने के बाद केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। वही उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। उत्तराखंड की जनता ने आखिरकार तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता का आभारी हूं, अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने फिर से मुझे एक बार सेवा करने का अवसर दिया है। मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आदेश हमें देंगे, जो काम करना होगा उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो मोदी जी के प्रति अटूट प्रेम है लोगों का, अटूट विश्वास है यहाँ के लोगों का, उसी का फल है कि आज हम सभी सीटों पर आगे हैं और सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जो मुद्दे रह गए हैं वैसे लगभग चाहे एम्स हो, चाहे जमरानी बांध हो, ये तो लगभग पूरे हो गए हैं। एनएच हो, उसकी सड़कें हैं, PMGSY है, और भी कई चीज़ें हैं, नए प्रोजेक्ट जो आने हैं उस पर पूरी उसी तरह से काम होगा जितनी ताकत से हमने पहले किया है।